हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है रेशा। तो हम क्लॉथिंग टेक्सटाइल को पढ़ने से पहले सबसे पहले रेशे को जानते हैं, तो आइए आज हम रेशे के बारे में जानते हैं। जब हम क्लॉथिंग टेक्सटाइल को पढ़ते हैं या कपड़े बनाने की प्रक्रिया का प्रोसेस को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि रेशा कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है और उसका वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जब हम क्लॉथिंग टेक्सटाइल को पढ़ते हैं या वस्त्र विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वस्त्र विज्ञान के अध्ययन करने से पहले हमें जो हमारा वस्त्र विज्ञान है वो चार चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले हम रेशा को जानते हैं, रेशा के बाद हमारा क्या बनता है, तो रेशा के बाद हमारा धागा बनता है। धागा के बाद हमारा क्या बनता है, हमारा कोई फैब्रिक बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। और कपड़े के बाद हमारा क्या बनता है, जो हम पहनते हैं, वियर करते हैं, पहनने योग्य कपड़ा बन जाता है। तो इन्हीं चार चरणों से हमारा जो वस्त्र विज्ञान है वो हम हर प्रकार के वस्त्र तैयार करते हैं, पहनने योग्य कपड़ा। सबसे पहले हम प्राकृतिक जगत से प्राप्त क्या करते हैं, तो फाइबर्स प्राप्त करते हैं, रेशा प्राप्त करते हैं। उस फाइबर से हम बनाते क्या है, तो यार्न बनाते हैं। उसके बाद से हमारा क्लॉथ तैयार होता है, कपड़ा तैयार होता है, और फिर उससे जिसे ग्रे गुड्स कहते हैं, फिनिशिंग करके उससे पहनने योग्य कपड़ा बनाया जाता है। अब हम आगे क्या जानेंगे, ये जो प्रक्रिया होती है निरंतर चलती रहती है। जैसे रेशा से अगर हम धागा बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया हमारी स्पिनिंग कहलाती है, मतलब कताई कहलाती है। और फिर जब धागे से हमारा कपड़ा बनता है, तो धागे से जब कपड़ा बनने की प्रक्रिया होती है वो हमारा वीविंग कहलाती है, मतलब बुनाई प्रक्रिया होती है। ये जो बुनाई प्रक्रिया होती है ये भी हमारे तीन प्रकार की होती है, एक हमारा वीविंग होता है, एक हमारा बॉन्डिंग होता है, एक हमारा वीविंग होता है, एक हमारा निटिंग होता है। वीविंग का मतलब होता है जब किसी भी कपड़े को ऐसे ताना और बाना में बुना जाता है, तो उसको उस प्रक्रिया को वीविंग कहा जाता है। निटिंग का मतलब होता है जब किसी भी कपड़े को ऐसे लूप लूप बना करके तैयार किया जाता है, जैसे हम लोग का स्वेटर वगैरह होता है, तो उसको निटिंग कहा जाता है। और जो बॉन्डिंग होता है या फेल्टिंग जिसे कहता है, जब किसी कपड़े को ताप और दाब के द्वारा जो है उसको दबा करके बनाया जाता है, तो उसे फेल्टिंग कहा जाता है, जैसे हमारे ब्लैंकेट वगैरह बनते हैं। तो इस क्रम में अब हम आगे पढ़ेंगे कि रेशे का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो रेशे का जो वर्गीकरण होता है, रेशे के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है, एक तो हमारा लंबाई के आधार पर और एक हमारा स्रोत के आधार पर। हम रेशे का जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो रेशा का वर्गीकरण जो है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा बांटा गया है लंबाई के आधार पर, एक हमारा बांटा गया है स्रोत के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशे को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा होता है स्टेपल फाइबर्स होते हैं जो छोटे रेशे होते हैं, एक हमारा फिलामेंट होता है। एक हमारा क्या होता है, स्टेपल फाइबर्स होता है, एक हमारा फिलामेंट होता है। जो हमारा स्टेपल फाइबर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो यह रेशा हमारा लघु आकार का होता है। छोटे रेशे होते हैं, लघु आकार का होता है। और जो हमारा फिलामेंट होता है ये हमारे दीर्घ आकार के रेशे होते हैं, मतलब बड़े रेशे होते हैं, लंबे रेशे होते हैं, दीर्घ आकार के रेशे होते हैं, या इनको हम दीर्घाकार लिख देंगे, दीर्घाकार रेशा होता है। जब हम रेशे के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो लंबाई के आधार पर हमारे रेशे को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा स्टेपल होता है, लघु आकार का रेशा होता है, एक हमारा फिलामेंट होता है, दीर्घ आकार का रेशा होता है। जो स्टेपल फाइबर्स होता है लघु आकार का होता है, यह रेशा हमारा कैसा होता है, तो छोटा रेशा होता है। और हमारे जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, रेशम को छोड़ करके सभी हमारे किसमें आते हैं, तो रेशम को छोड़ करके सभी रेशे हमारे स्टेपल फाइबर्स में आते हैं। जो मानव निर्मित रेशे होते हैं वो हमारे किसमें आते हैं, लंबे रेशे जो होते हैं वो हमारे फिलामेंट में आते हैं।
मतलब रेशम जो होता है हमारा वो यहाँ फिलामेंट में आता है। बाकी हमारे जितने भी रेशे भी आप आगे पढ़ेंगे सारे रेशे हमारे किस में आते हैं, तो स्टेपल्स में आते हैं। स्टेपल्स में जो रेशे का मापन किया जाता है वो किस में किया जाता है, स्टेपल में रेशे का मापन इंच में किया जाता है, लेकिन फिलामेंट में रेशे का मापन किस में किया जाता है, तो इसका मापन मीटर में किया जाता है। इतनी बात आप लोग को समझ आई? जब हमने लंबाई के आधार पर रेशे को बांटा था तो लंबाई के आधार पर हमारा जो रेशा होता है वो दो भागों में बांटा गया था। एक हमने बताया था आपको स्टेपल, एक हमने बताया था आपको फिलामेंट। एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। फिलामेंट हमने बताया था, जो हमारा स्टेपल रेशा होता है ये कैसा होता है, रेशा होता है। ये लघु आकार का होता है और इसे छोटा रेशा होता है, और इसका मापन किस में किया जाता है, छोटा रेशा होता है इसको जानेंगे, और इसका मापन किस में किया जाता है, तो इसका मापन जो है इंच में किया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं रेशे, तो प्राकृतिक जगत के हमारे जितने भी रेशे आते हैं सभी हमारे स्टेबल फाइबर होते हैं रेशम को छोड़कर के, क्योंकि रेशम जो है हमारा प्राकृतिक जगत का वो लंबा रेशा होता है इसलिए वह फिलामेंट में आता है। इसमें कौन कौन सा रेशा आता है, तो जैसे हमारा कपास हो गया, लिनन हो गया, हैम हो गया, रेमी हो गया, अबाका, जूट, ये सारे रेशे इसमें किया जाता है, इनका मापन जो है इंच में किया जाता है। हम फिलामेंट की बात करेंगे तो फिलामेंट रेशे जो होते हैं ये रेशे हमारे दीर्घाकार रेशे कहलाते हैं। कैसे रेशे कहलाते हैं, दीर्घाकार रेशे कहलाते हैं। इनका मापन किस में किया जाता है, इनका मापन मीटर में किया जाता है। और जो है जितने मानव निर्मित रहते हैं, जो मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं या जो सिंथेटिक फाइबर हमारे होते हैं वो हमारे जो है सब किस में आते हैं, फिलामेंट में आते हैं। मानव निर्मित जितने भी रेशे हमारे होते हैं सब फिलामेंट में होते हैं, क्योंकि मनुष्य इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार लंबाई में बना सकता है। लेकिन जो हमारा प्राकृतिक जगत का रेशम का रेशा है वह भी हमारा किस में आता है, फिलामेंट में आता है। इतनी बात समझ में आई? अब हम आगे जानेंगे कि जो हमारे दीर्घाकार रेशे होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो दीर्घाकार रेशे को भी हमारे दो भागों में बांटा गया है, हम इसके बारे में जानेंगे। अब हम जानेंगे हमारा जो दीर्घाकार रेशा होता है लंबाई के आधार पर जो तंतुओं को बांटा गया है दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो लंबाई के आधार पे हमने बताया था आपको दीर्घाकार होता है, मतलब वही फिलामेंट रेशा होता है दीर्घाकार में, दीर्घाकार या इसको हम फिलामेंट बोल सकते हैं। एक हमारा होता है लघु आकार, दूसरा हमारा कौन सा होता है, लघु आकार, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेपल बोलते हैं। लघु आकार जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटा रेशा या स्टेपल रेशा इसे बोला जाता है, स्टेपल रेशा बोलते हैं इसे। अब हम जानेंगे कि दीर्घाकार जो हमारा रेशा होता है उसको कितने भागों में बांटा गया। तो दीर्घाकार रेशा वो रेशा होता है जो हमारे लंबे लंबे रेशे होते हैं दीर्घाकार कहलाते हैं। दीर्घाकार रेशे को भी दो भागों में बांटा गया है, जो है एक तो हमारा होता है एक रेशीय तंतु जिसे मोनोफिलामेंट बोला जाता है, एक रेशीय तंतु मोनोफिलामेंट। दूसरा हमारा होता है बहुरेशीय तंतु जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है मल्टीफिलामेंट।
इसे क्या बोला जाता है, मल्टीफिलामेंट बोला जाता है। अब हमारे मोनोफिलामेंट रेसे कौन से रेसे होते हैं, तो मोनोफिलामेंट रेसे वे रेसे होते हैं, एक रेसी तंतु जो मजबूत होते हैं, मुलायम होते हैं और केवल एक रेसे से बना होता है, वह हमारा मोनोफिलामेंट होता है। और बहुरेसी धागा कौन सा धागा होता है, जो एक रेसी तंतु के विपरीत होता है, मतलब इसमें कई सारे रेसों को मिला करके बनाया जाता है, कई सारे रेसों को एक साथ बट करके पिरो करके बनाया जाता है, वो हमारा बहुरेसी तंतु होता है। लघु आकार के रेसे क्या होते हैं, हमने बताया था आपको, लघु आकार के रेसे वे आसार वे होते हैं जो हमारे प्राकृतिक जगत के रेसे होते हैं, सभी हमारे किसमें आते हैं, लघु आकार के रेसे आते हैं, इसलिए इनको इंच में नापा जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब हम जानेंगे रेसे का वर्गीकरण, ये तो लंबाई के आधार पर था, अब हम जानेंगे स्रोत के आधार पर रेसे के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो जब हम स्रोत के आधार पर रेसे के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे, स्रोत के आधार पर रेसे का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा होता है प्राकृतिक जगत का रेसा, एक होता है कृत्रिम जगत। तो प्राकृतिक जगत का जो रेसा होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है। कुछ तो हम वेजिटेबल्स वनस्पतिक जगत से प्राप्त करते हैं, कुछ हमारे रेसे होते हैं जो प्राणिज्य होते हैं, और कुछ रेसे हमारे खनिज होते हैं। रेसे का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, रेसे का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। कुछ रेसे हमारे प्राकृतिक जगत के होते हैं और कुछ रेसे हमारे कृत्रिम जगत के होते हैं। प्राकृतिक जगत के रेसे को तीन भागों में बांटा गया है, कुछ रेसे हमारे वनस्पतिक होते हैं, कुछ प्राणिज होते हैं, या जांतव लिखा होता है, जांतव मतलब जो जानवरों से प्राप्त होता है जांतव रेसा, या पशु प्रोटीन रेसा इसे कहा जाता है, इसे कई नामों से जाना जाता है, पशु प्रोटीन रेसा। ये हमारे होते हैं, इनको तीन भागों में बांटा गया है, वानस्पतिक प्राणिज जांतव या पशु प्रोटीन बात एक ही है, और खनिज होता है। अब जब हम वानस्पति जगत के रेसे की बात करते हैं तो वानस्पतिक जगत के रेसे को भी तीन भागों में बांटा गया। कुछ रेसे हमारे होते हैं जिनको हम किससे प्राप्त करते हैं, बीज से प्राप्त करते हैं, कुछ रेसे को हम पत्ती से प्राप्त करते हैं, और कुछ रेसे हमारे होते हैं जिनको हम तना से प्राप्त करते हैं, मतलब उनकी टहनी से प्राप्त करते हैं। जैसे पत्ती से हम किसको किसको प्राप्त करते हैं, बीज से हमारे दो रेसे हैं, एक हमारा कापोक है और दूसरा हमारा कपास है। ये जो दो रेसे होते हैं ये हमारे बीज से रेसे प्राप्त होते हैं। पत्ती से दो रेसे प्राप्त करते हैं, एक सीसल को प्राप्त करते हैं, एक पीना को प्राप्त करते हैं। उसके बाद तना से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो तना से जूट, लिनन प्राप्त करते हैं, जूट, हैम्प, पलेनी, अबाका, ये सारे जो रेसे हैं इनको हम किससे प्राप्त करते हैं, पत्ती से प्राप्त करते हैं। उसके बाद हमारे प्राणिज रेसे आते हैं, तो प्राणिज रेसे में हमारे दो रेसे होते हैं, एक तो हम ऊन प्राप्त करते हैं, भेड़ों को पालते हैं, विभिन्न प्रकार की बकरियों को पालते हैं, ऊंट के प्रजाति के जानवरों को पालते हैं जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं, दूसरा हमारा रेशम होता है जिसे हम सेरीकल्चर विधि से उत्पादित करते हैं, बॉम्बिक्स मोरी नाम का कीड़ा पालते हैं जो हमारे प्रोटीन जगत का रेसा आता है, तीसरा हमारा है खनिज, खनिज से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, तो खनिज से हमारा सोना प्राप्त होता है, हमें सोने और चांदी होता है, और क्या होता है, एस्बेस्टस होता है,
अब हम मानव निर्मित रेशे की अगर बात करते हैं तो मानव निर्मित रेशे हमारे बहुत सारे होते हैं। कुछ तो हमारे सेलुलोजिक होते हैं, कुछ हमारे रासायनिक होते हैं। कुछ हमारे सेलुलोज से बनाए जाते हैं रेशे और कुछ रेशे हमारे टोटल रसायन से बनते हैं, इसलिए वो रासायनिक रेशे कहलाते हैं। सेलुलोज से जैसे हमारे क्या क्या बनता है, तो सेलुलोज से हमारा रेयान बनता है, रेयान का रेशा। नाइट्रोसेलुलोज बनाया जाता है। बिस्कस रेयान बनाया जाता है और कुप्रामोनियम रेयान बनाया जाता है। रासायनिक रेशे में हमारे क्या क्या बनाए जाते हैं, तो रासायनिक रेशे में हमारा जैसे नायलॉन हो गया, आयलॉन हो गया, डेक्रान हो गया, डेक्रान हो गया और टेरिलिन हो गया, फाइबर ग्लास हो गया। ये सारे रेशे इससे बनाए जाते हैं जो हमारे रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो एक बार हम फिर से इसको रिविजन कर लेंगे कि रेशे का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। रेशे का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक तो हमारा लंबाई के आधार पर रेशे का वर्गीकरण किया जाता है और दूसरा जो हमारे रेशे का वर्गीकरण होता है वो किस पर किया जाता है, तो स्रोत के आधार पर किया जाता है। जब हम लंबाई के आधार पर रेशे के वर्गीकरण की बात करते हैं तो लंबाई के आधार पर रेशे का वर्गीकरण दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हमारा फिलामेंट रेशा होता है, दूसरा हमारा स्टेपल रेशा होता है। जो हमारा फिलामेंट रेशा होता है वह लंबा रेशा होता है। इसके जो रेशे होते हैं फिलामेंट के रेशे, जितने भी मानव निर्मित हमारे रेशे होते हैं सब फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक का जगत का जो रेशम का रेशा होता है वह भी हमारा फिलामेंट में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेपल रेशे की। स्टेपल रेशे में जो प्राकृतिक जगत के रेशम को छोड़ करके सभी रेशे हमारे किस में आते हैं, जो है स्टेपल फाइबर्स में आते हैं और स्टेपल फाइबर्स के रेशे को इंच में मापा जाता है। फिर हम आगे इसी प्रकार से जानेंगे स्रोत के आधार पर रेशे का वर्गीकरण। तो स्रोत के आधार पर रेशे का वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया है। एक हमारा प्राकृतिक जगत का रेशा होता है, दूसरा हमारा कृत्रिम जगत का रेशा होता है। प्राकृतिक जगत के रेशे को तीन भागों में बांटा गया है। एक हमारा वानस्पतिक रेशा होता है, दूसरा हमारा प्राणिज रेशा होता है, तीसरा रेशा जो हमारा होता है वो खनिज रेशा होता है। अब प्राकृतिक जगत की अगर हम बात करते हैं, उसमें वानस्पतिक जगत की प्राप्त करते हैं, तो वानस्पतिक जगत के रेशे को तीन भागों में बांटा गया है। कुछ हमारे जो है वानस्पतिक जगत के रेशे ऐसे होते हैं जिनको हम उनके बीज से प्राप्त करते हैं, जैसे कपास हो गया हमारा, कापोक हो गया। कुछ रेशे हम पत्तियों से प्राप्त करते हैं, जैसे सीसल हो गया, पिन्ना हो गया। कुछ रेशे हमारा तना से प्राप्त करते हैं, जैसे लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, रेनी हो गया, बाका हो गया। फिर हम आगे प्राणिज जगत से क्या क्या रेशा प्राप्त करते हैं, ऊन और रेशम को प्राप्त करते हैं। खनिज से कौन कौन सा रेशा प्राप्त करते हैं, तो सोना प्राप्त करते हैं, चांदी प्राप्त करते हैं, एस्बेस्टस प्राप्त करते हैं। जब हम कृत्रिम जगत के रेशे को आते हैं तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कुछ तो मानव जो है सेलुलोज को लेकर के, जैसे कपास का लिंटर हो गया, बांस के गुद्दा हो गया, ये सब मिला करके कुछ उसमें रसायन को डाल करके रेशे को बनाया जाता है, तो सेलुलोजिक रेशा हमारा कहलाता है। कुछ रेशे हमारे होते हैं जो केवल हमारे रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए इनको भी दो भागों में बांटा गया। सेलुलोज से जैसे रेयान बनाया जाता है, रेयान में ही नाइट्रो सेलुलोज होता है, विस्कस रेयान होता है, कुप्रामोनियम होता है। रासायनिक में हमारा नायलॉन हो गया, आयलॉन हो गया, डेक्रान हो गया, टेरिलिन हो गया, फाइबर ग्लास हो गया। इस प्रकार से रेशे को बनाया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में रेशे के बारे में जाना। अगले वीडियो में अब हम एक एक रेशे के बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।